नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हम लोग जा रहे हैं जगह जगह, नगर पंचायत में और नगर पालिका में, जहां जाकर के प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, साथ ही आम जनता से बात कर रहे हैं कि इस बार आम जनता का रुख किस तरफ है। इस समय मैं बैठा हुआ हूँ गजरौला नगर पालिका में। मुकेश चौधरी जी मेरे साथ हैं, जिनकी पत्नी उर्वशी चौधरी जी प्रत्याशी बनी है समाजवादी पार्टी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे पॉलिटिक्स के बारे में पहले? तो बेसिकली पॉलिटिक्स में सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, नगर निकाय चुनाव के अंदर मुख्य रूप से यहाँ चुनाव में तीन लोगों की फाइट है जी। और हरपाल सिंह यहाँ बसपा से हैं और बीजेपी से हेम सिंह आर्य की पत्नी लड़ रही हैं और समाजवादी से मेरी पत्नी को टिकट हुआ है। लेकिन अगर आप जानकारी लेंगे तो यहाँ मेरा जो फील्ड वर्क है, जो मेरा पिछले दिनों का कार्य है, जो जनता की मैंने सेवा की है, जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और पूरा विश्वास हम जनता के ऊपर रखते हैं और जनता का हमारे ऊपर विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे और मेरी पत्नी उर्वशी जो है यहाँ से चेयरमैन बनेंगे। सर जी, बेसिकली अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो वहाँ जातिगत फैक्टर काफ़ी काम करते हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मतलब देखो, ऑब्वियसली इलेक्शंस जो हैं वो सोशल फैक्टर तो एक मेजर फैक्टर है, जहाँ सामाजिक इक्वेशंस जो हैं वो बहुत प्रभाव डालती हैं जी। और यहाँ अगर सामाजिक भाषा को लेकर बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी पत्नी खुद जाटा समाज से हैं और मैं जाट समाज से हूँ, तो आप देख सकते हैं जाट समाज से कोई भी यहाँ कंटेस्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए होगा भी नहीं। और ऊपर से फिर मेरा जाट समाज में अच्छा व्यवहार है, लोगों में मेरा खूब जो है काम किया हुआ है, तो जाटों का भरपूर समर्थन मेरे साथ है और मुस्लिम समाज का एक डोमिनेटिंग वोट पार्टी के साथ खड़ा है। और हालांकि मैं ये किसी बिरादरी की, जाति की, धर्म की बात नहीं करूँगा, क्योंकि नेता एक वही अच्छा होता है जो सब समाज के वोट ले, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास हर समाज के, हर जाति के वोट मेरे साथ हैं, मैं सभी लोगों के बीच काम करता हूं। अलग अलग प्रत्याशी होंगे, बीजेपी से भी आप बता रहे हैं, बसपा से भी बता रहे हैं, आप एक एजुकेटेड भी हैं, प्रत्याशी भी आपके एजुकेटेड हैं, आपको क्या लग रहा है क्या समस्याएं हैं, क्या करेंगे, आपके पास क्या नया होगा? देखिए, समस्याएं तो नगर पालिका की बहुत हैं, जैसे अब हम शहर में कुछ जगह नहीं पहुँच पाए थे अभी तक, क्योंकि शहर के बासिंदे भी हैं लेकिन काम धाम में व्यस्त रहते हैं, एज अ पॉलिटिशियन बहुत काम होते हैं, लेकिन रिमोट एरियाज़ में हम अंदर अभी तक नहीं घुसे थे शहर में। सड़कें का काम बिल्कुल नहीं है अंदर जो इंटीरियर्स में है, नालों में गंदगी भरी पड़ी है, लाइटिंग की कोई व्यवस्था अंदर नहीं है, पानी की, शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, मतलब कोई समस्या कहीं सोल्व भी नहीं हो पा रही है, गंदा पानी जो है, प्रदूषित पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम तो गंगा के किनारे होते हुए, गंगा के किनारे नहीं, इस यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रीज़ की जो पॉइजनस केमिकल्स हैं उनकी डंपिंग जगह तक हो रही है, वो तो वो सब उसका प्रॉपर प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी कि जो वेस्टेज है, जो पॉइजनस मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ का, उसको कहाँ हमें जो है डंपिंग उसकी करानी है। गजरौला में आप जा रहे हैं, आम जनता से मिल रहे होंगे, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता? मतलब अधिकतर जैसे आप बहुत सारी समस्याएं बताई, बहुत मुद्दे बताए, मेन समस्या आपको क्या लग रही है, कहाँ फोकस करेंगे आप? देखो, मेन समस्या तो खैर सबसे ज़्यादा तो सड़कों की है, जो शहर में काम हुआ है, हम ये नहीं कहते कि भाई पुराने चेयरमैन ने काम नहीं किया, लेकिन वो बाहरी काम है, जो मुख्य सड़कें हैं वो चमका दी गई हैं, लेकिन अंदर जाओगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से सर पूरा विश्व कोरोना से जूझा था और इंडिया में भी काफ़ी उसका असर देखने को मिला था, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं गजरौला की? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ख़राब है, कोई स्वास्थ्य का ना कोई यहाँ बड़ा मेडिकल कॉलेज है, ना कोई यहाँ प्राइवेट भी ऐसा कोई कॉलेज किसी बंदे ने बनाया है, प्लस ये है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें वो व्यवस्थाएँ नहीं है जो एक्यूरेट होनी चाहिए, जो जिस लेवल तक होनी चाहिए। कोशिश करेंगे स्वास्थ्य सेवाएँ, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि ये कोरोना काल के बाद लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं, लोगों की बहुत मौतें हुई हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर भी हम इसमें कार्य करेंगे। उसके अलावा सर, अधिकतर हम लोग अभी जा रहे हैं फील्ड में देख रहे हैं जाके, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है, जो सरकारी जो हमारा ढांचा है वो एक तरीके से चरमराया हुआ सा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन के लिए भी जो नगर पालिका में मेरी पर्सनल नगर पालिका की तरफ से बीइंग एज अ चेयरमैन जो हो सकता है मैं मैक्सिमम प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ अब एक ट्रेंड हो गया है कि लाइब्रेरीज़ बहुत बन रही हैं, जो पेड लाइब्रेरीज हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, कोशिश करूँगा कि नगर पालिका की तरफ से एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिसमें गरीब बच्चे, आम आदमी का बच्चा जाके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके, और जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था में सुधारने की कोशिश करेंगे। सर, गजरौला की जनता आपको इंडिया तक पे देख रही है इस समय, क्या एक अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आपको क्यों वोट दें, क्या ये? देखो, मैं जनता से, पूरे नगर पालिका की जनता से, जिलावासियों से, सभी ये मैं अपील करता हूँ कि मेरा नाम, जैसे आप सब लोग जानते हैं, मुकेश चौधरी है, और मैं, मेरा नज़दीक में गाँव भी है,
तो मैं लोकल का रहने वाला हूँ, बाकी प्रत्याशी हमारे मैक्सिमम बाहर से हैं, कोई हसनपुर से है, कोई गंगेश्वरी से है। तो मैं जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सहयोग करूँगा, आपके बीच खड़ा होकर आपके काम आऊँगा, इसलिए मुझे जो है वोट करें और जो है चुनाव जिताएं। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश चौधरी जी, जिनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना होगा गजरौला की जो जनता है उन पर कितना विश्वास जताती है। मैं अंबुज उपाध्याय अपने सहयोगियों के साथ।